हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में, और खास तौर पे उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और अभी जो कुछ स्टूडेंट्स इस डिलेमा में हैं कि अप्लाइड मैथमेटिक्स ले तो लिया है, आगे क्या होगा, या कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं जो अप्लाइड मैथमेटिक्स लें या ना लें ये सोच रहे हैं, तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज की क्लास में, जैसा कि मैंने कहा आपसे, मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके सिलेबस में नंबर्स हैं, इंडिसेस हैं, लॉगरिदम है, एक एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिदम है, फिर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, और एक कमर्शियल मैथमेटिक्स है। ठीक है, इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है क्वांटिफिकेशन वाला पार्ट और कमर्शियल मैथमेटिक्स वाला पार्ट, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट एक बार पूरा सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस मिलेगा। उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स मिलेंगे। आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रहा होगा। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा होगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स दिखाई दे रहा होगा। तो ये सारे टॉपिक्स आपको आपके 11th के अप्लाइड मैथमेटिक्स में पढ़ना है। क्या हमें और कुछ भी पढ़ना है? तो जी हाँ, हमें और कुछ भी पढ़ना है। तो वो क्या है? लॉजिकल और मैथमेटिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या हमें टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे? कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। मैथमेटिकल रीजनिंग में जैसे कि ट्रुथ टेबल हो गया, ओपन स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, मैथमेटिकल लॉजिक्स, जिसके बारे में आपने शायद पहले सुना हो या देखा हो, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये आपका पूरा सिलेबस है। मगर इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सर, अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो क्वांटिफिकेशन वाला पार्ट है, वो किस तरह से इस अप्लाइड मैथमेटिक्स को आपके रेगुलर मैथमेटिक्स से अलग बनाता है, और इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए आपको मजबूर करता है। वो ये है कि क्वांटिफिकेशन में जो टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, मैंसुरेशन है, क्लॉक है, कैलेंडर है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे चलकर हमारे देश में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें क्वांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम कॉमर्स, आर्ट या ह्यूमैनिटीज के साथ में अप्लाइड मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो भविष्य में जाकर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बढ़ जाते हैं, एज कंपेयर टू रेगुलर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की तुलना में अगर हम बात करें तो। अब रेगुलर मैथमेटिक्स के बच्चे 2 साल तक तो सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करते हैं, और अगर हम ये मान लें कि वो सारे के सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, तो भी उन सभी बच्चों का एडमिशन IITs में नहीं हो सकता, कारण उतनी सीट हमारे देश में नहीं है। तो फिर वो बच्चे किसी NIT से या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अपना BTech करते हैं, फिर उनके कॉलेज में आने वाले कैंपस के हिसाब से उनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, और अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो थक हार कर SSC और बैंकिंग में कूदते हैं। अब जब वो SSC और बैंकिंग में आते हैं, जहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग जैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होने की वजह से उनको एक एज मिल जाता है वहां पर कॉमर्स का बच्चा, जो केवल प्योर कॉमर्स का बच्चा है, वो अपने आप को उनके सामने बहुत वीक महसूस करता है। बट अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो रिवाइज आपका सिलेबस अभी आया है, जिसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं, अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स अपने कॉमर्स के साथ, आर्ट्स के साथ, ह्यूमैनिटीज के साथ अगर पढ़ते हैं, तो आगे चलकर आप SSC और बैंकिंग जैसे एग्जाम्स को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि आप वो सारी चीजें जो रेगुलर मैथ्स वाले बच्चा एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद वहां पहुंचता है, आप डायरेक्टली वहां जा सकते हैं, क्योंकि आपको सीधी रास्ता मिल रहा है, आपने वो सारी प्रिपरेशन 11th और 12th में ही कर ली। बात समझ पा रहे हैं आप? तो आप जो चीजें पढ़ रहे हो, उसका डायरेक्ट फायदा आपको भविष्य में मिलने वाला है। अब बात करते हैं हमारे कमर्शियल मैथमेटिक्स की। कमर्शियल मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं, जैसा कि एन्यूटी है, इंटरेस्ट और प्रेजेंट वैल्यू है, फिर टैक्सेशन और बिल्स हैं,
उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन एंड विजुअलाइजेशन है। आप डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, आपके पाई चार्ट हो गए, टेबुलर चार्ट हो गए, ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, ये किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है शॉर्टेस्ट फॉर्म में। कि आप किसी बहुत बड़े डेटा को पाई चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। और ये कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जाकर अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत काम आती हैं। तो कमर्शियल मैथमेटिक्स आपको आपके आगे आने वाले जो भी आप बिजनेस करोगे उसमें तो काम आएगा ही आएगा, साथ ही साथ अगर आप सीए करते हो, सीएस करते हो, तो भी वहाँ पर ये आपके लिए बेस का काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि क्वांटिफिकेशन वाला जो पार्ट आपको आपके सिलेबस में जोड़ा गया या कमर्शियल मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो आपके सिलेबस में जोड़ा गया उससे आपको कितना फायदा मिल रहा है, आपको रेगुलर मैथमेटिक्स के बच्चों की तुलना में एक बेनिफिट अलग ही दिखाई दे रहा होगा। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या हमें अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना चाहिए, तो इसका जवाब है बिल्कुल लेना चाहिए। और क्यों लेना चाहिए? क्योंकि आप यहाँ पर वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो डायरेक्टली किसी एग्जामिनेशन के दरवाजे आपके लिए खोल देता है, और उस एग्जामिनेशन के दरवाजे खोल देता है खासतौर पे जहाँ पर एक नॉर्मल कॉमर्स का बच्चा या आर्ट का बच्चा अपने आप को मैथ्स में कमजोर पाता था एक जमाने में कि यार हमारा तो मैथ्स का बैकग्राउंड ही नहीं है, हमने तो 2 साल पहले ही मैथ्स पढ़ना छोड़ दिया। मगर अब उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स एक खुशी लेके आता है कि हाँ यार इससे हम एक हमारे लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो एज ए एजुकेटर मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को आज की तारीख में अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ जाना चाहिए और एक कॉन्फिडेंस के साथ में जाना चाहिए कि हाँ ये हमें डेफिनेटली 100% हेल्प करने वाला है हमारे फ्यूचर। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपका जो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन, लिमिट्स कंटिन्यूटी डेरिवेटिव, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइन और सर्कल की अगर हम बात करें तो ये वो टॉपिक हैं जो आपके रेगुलर 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। आप ये टॉपिक्स तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ आप कुछ एडिशनल टॉपिक भी पढ़ रहे हैं खासतौर पर जैसे कि क्वांटिफिकेशन और कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसको पढ़ने से आपको एडवांटेज मिल रहा है। आप 11th और 12th में ही वो चीज पढ़ रहे हैं जो रेगुलर मैथमेटिक्स वाले आगे जाकर उसके लिए अलग से कोचिंग करते हैं, उसके लिए अलग से तैयारी करते हैं। तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है कि आपको वो सारी चीजें, आपको पूरा एक एक साल मिल रहा है 11th में, एक एक साल मिल रहा है 12th में, और उसको पढ़ने से आपके 11th और 12th के सिलेबस में तो हेल्प मिलेगा, वहां तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा मिलेगा, बट साथ ही साथ आगे चलकर वो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में पॉइंट्स और लॉजिकल रीजनिंग में बहुत अहम रोल प्ले करने वाला है। तो इसलिए ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे कि क्या एडवांटेज है अप्लाइड मैथमेटिक्स लेने का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने देखा नंबर्स, इंडिसेस, लॉगरिदम, एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिदम, आपका क्वांटिफिकेशन और न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस और आपके कमर्शियल मैथमेटिक्स। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्वांटिफिकेशन और न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में मैथेज आपकी कैसे हेल्प करता है, स्पेशली मैथेज के फैकल्टीज आपका कोर्स इस तरह से डिजाइन करते हैं और आपको उस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाते हैं कि आपको जब वो क्वांटिफिकेशन, खासतौर पे जब वो क्वांटिफिकेशन पढ़ाते हैं तो आपको जो भी चैप्टर वो डील कर रहे होते हैं तो वो हमेशा उस पर्टिकुलर सवाल के 2 सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। अब दिमाग में आना चाहिए कि 2 सोल्यूशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। एक सोल्यूशन जो आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में आपका एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, और एक सोल्यूशन या शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक जो आपके आगे चलकर वही टॉपिक जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आने वाला है उसके सोल्यूशन के रूप में हम यूज करते हैं। क्योंकि जो टॉपिक आप जैसे एवरेज पढ़ रहे हैं या टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, अगर कोई सवाल आपके 11th में आता है तो एग्जामिनर उसको एक लॉन्ग प्रोसेस से आपको चाह रहा है कि आप उसको लिखो, बट वही सवाल जब आपके आगे चलकर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आता है तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में खास बात क्या होती है कि वहां पर समय कम होता है और सवाल बहुत ज्यादा होते हैं। कॉम्पिटिशन इसी बात का है कि आपने कम से कम समय में कितने ज्यादा सवाल कर लिए। तो वहां पर हमारा जो अप्रोच होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो मैथेज में हमारी टीम इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि
कि क्वांटिफिकेशन और लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ाते समय वो हमेशा आपको एक दो टाइप के सॉल्यूशंस की तरफ ले जाती है। एक सॉल्यूशन आपके स्कूल एग्जाम्स में हेल्प करेगा आपको, जहां पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे आपके स्कूल एग्जामिनेशन में, और एक सॉल्यूशन जो होगा वो शॉर्टकट या शॉर्टकट के फॉर्म में होगा, जो आगे जाकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप समझ पाए होंगे और आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ये जो डिलेमा में हैं बच्चे, जो परेशान हैं कि क्या करें क्या ना करें, वो उन चीज़ों से वो परेशानी उनकी दूर हट सके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे और कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।